ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ बिल्कुल 2020 के अंदर जनवरी के अंदर हमारी कोशिश है कि ऐड आए। मैंने जैसे कहा कि पहले 2,500 बच्चों की उम्मीद है हमारे को जो वैकेंसी निकल कर आ रही है रैशनलाइजेशन के बाद, जिसका आंकड़ा 31 दिसंबर 2019 को तय हो जाएगा, 31 दिसंबर 2019 को तय हो जाएगा, और उसके अलावा जनवरी के बाद भर्ती होगी ताकि 31 मार्च तक ये भर्ती मुकम्मल हो, ताकि सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की गिनती के अंदर जो कटौती है वो पूरी हो सके और बच्चों की शिक्षा का जो म्यार है वो ऊपर उठा जाए। अध्यापकों में रोष है सिंगला साहब भी, मतलब अध्यापकों के ऊपर लाठीचार्ज, किसानों पर लाठीचार्ज सरकार कर रही है, इसमें क्या कहें? देखो बात ऐसे है कि मैंने अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश की है, अपनी तरफ से हाथ जोड़कर अपील भी की है सभी अध्यापकों को कि मेरे साथ बैठ के जो आप बात करते हो मैं उस बात को समझता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए, आपके हक के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, उसको फ्यूचर के लिए आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। मैं सरकार का एक हिस्सा हूँ, पर मैं सरकार अकेला ही सरकार नहीं हूँ। जब कोई भर्ती होनी है, किसी के समस्या का समाधान होना है, वो सभी विभागों को मिलकर करना होता है। तो इसलिए मैं ये सभी यूनियंस को भी कहना चाहता हूँ कि वो इनको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। रोष करना एक लेवल तक ठीक है, पर लेकिन जो समस्या का समाधान है वो वार्तालाप से, वो बातचीत से ही होता है। और मैं हर व्यक्ति की, हर संगठन की हर बात को मजबूती से अपने कैबिनेट में रखता हूँ और जब जब उसकी मंजूरी होगी सभी नौजवान युवाओं को। सड़कें आपने बहुत बढ़िया बनाई हैं, सड़क दुर्घटनाओं के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई नया बनवे बनाने का इस तरह जहाँ तक आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे जंक्शंस हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होता है, DGP साहब की और मेरे विभाग की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर पुलिस विभाग के लोगों ने हमारे को ये बताया कि ये हमारे बॉटलनेक्स हैं। जैसे मैं आज समाना आया हूँ, आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ से सड़क के चौराहों के ऊपर हम सड़क को चौड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो अगर जहाँ पर लोग इंक्रोचमेंट छोड़ने के लिए तैयार हैं या जहाँ पर राइट ऑफ वे क्लियर है हम वहाँ पर चौड़ा करने के लिए भी तैयार हैं, स्लिप रोड बनाने के लिए भी तैयार हैं, ताकि जो जंक्शंस हैं वो सारे जंक्शंस डीकंजेस्ट हो सकें। मेरा पहले दिन से ये थॉट प्रोसेस है और DGP साहब ने इस पूरे पंजाब के अंदर से रिपोर्ट ली है, पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे पास रिपोर्ट आई है। जो जो नेशनल हाईवेज़ के साथ संबंधित वो बॉटलनेक्स होंगे या एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होंगे उनको नेशनल हाईवेज़ को लिखेंगे और जो स्टेट के पास होंगे उनको सबसे पहले हम उसका समाधान करेंगे। ये ढेंटल से लेके रेतगढ़ तक इसके अंदर बनवे जैसे यहाँ डिवाइडर दिए हैं, ऐसे हो सकता है? देखो डिवाइडर देने की बात, इमिजिएटली डिवाइडर लगाना सोल्यूशन नहीं होता। डिवाइडर उस सड़क पर लगता है जिसकी लैंड वेथ बराबर हो, दोनों तरफ से हमारे को उतनी लैंड वेथ चाहिए होती है सड़क के ट्रैफिक को मूव करने के लिए, और अगर वहाँ पर वो लैंड वेथ अवेलेबल होगी तो ज़रूर वहाँ भी डिवाइडर लग जाएगा। लेकिन डिवाइडर लगने के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके बाद ही डिवाइडर लगाया जाएगा। एक फोटो थैंक यू वेरी मच यार, सारे प्लीज़ यार जाओ।